चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। चलो चाची को बधाई हो, चाची का आज फाइनल हो गया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 5 बजे से, और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सबका इतना ख्याल रखते हो। कल की वीडियो में कमेंट आ रखा था, बहुत दिनों से चाय वाली चाची ब्लॉग में नहीं आई थी, तो आप लोग नोटिस करते रहते हो। तो आप लोगों का कमेंट आया था कि चाय वाली चाची के साथ गुडाई करने चले जाओ, कि चाची बहुत ज़्यादा बिजी होगी अपने काम में। तो मम्मी लोग ऐसे जाते रहते हैं चाची के साथ, एक दिन पहले भी गए थे लेकिन उस दिन मैं वीडियो बनाने नहीं जा पाई थी। तो आज फिर से सब चाची लोग आ रखे हैं चाय वाली चाची के साथ गुडाई करने के लिए, क्योंकि उनका अभी काफ़ी बचा हुआ था गुडाई करने के लिए, बाकी चाची लोगों ने तो कर ली थी। तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं और चाची लोग चले गए हैं आगे, मम्मी लोग भी चले गए हैं, तो उनसे आपको रस्ते में ही मिलाते हैं। यहाँ पे देखो हमारे मामा जी पहुँच गए हमारे गाँव में। हेलो, अरे हमारे भैया, हेलो, बहुत बहुत प्रणाम फड़ लो सबको, आशीर्वाद भी फड़ लो। हम थोड़ा जरा यहाँ मिलने आ रखे थे, हम थोड़ा इधर जा रखे थे, झूठ बोलने में क्या कौन से किसी ने देखा वही तो किसी को क्या पता चल रहा है, किसी को क्या पता चल रहा है। हम यहाँ जा रखे थे स्वामीनाथ। अच्छा अच्छा, पर गए नहीं, हम झूठ बोल रहे कौन हो, ईमानदार बेमान आदमी एक साथ झूठ बोलने में क्या जा रहा जी, सब है। और थोड़ा सा मिलने के लिए सीधे जाने लगे क्यों, बस थोड़ा भी टाइम नहीं हमारे पास है। रोड में ये दोस्तों रोड़ी से जा रहे हैं, बताओ तुम, हमारा यही हम जब गाड़ी रोड़ी पे चलते तो रोड़ी से आएंगे ना रोड बटे में थोड़ी जाएंगे गाड़ी को, थोड़ा पैदल चल के चलते रहे नीचे पे, थोड़ा पैदल चलते हम पूरा ही चलते। अभी यहीं पे इनकी गप सप चल रही है थोड़ा सा, अरे हमारी मम्मी मिलने सब लोग मिला, बहुत बड़ी खुशी हुई। प्रणाम, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक दोस्तों? तो भाई जी आ रखे हैं यहाँ पे, दूसरा हमारा ये पूछना है रोतोड़ा वाले बस गया है मरोड़ा वाले, इनको पहचानोगे तो इनको पहचान लो, इनको भी फेमस कर दो, नहीं तो मुका मारो पड़ते। ये हमारे सुमेरपुर वाले मामा दतले से काटते हैं बैंड, बैंड काटा वाला तो मैं बोलता तो ले मत बैंड काटो था सभी गाड़ी काट रहा हम दसलन काट रहा है। जय हो नारी देवी की, पर वो सबको राजी कुछ रखे बिल्कुल बस। चलो ठीक है, तब मिलते हैं बाबा, जब तुम ना जाए दोस्तों तो हमें भी ले जाए साथ में, वही तो अकेले अकेले ना जाए, कोई बात नहीं, अभी अभी सीट खाली है, चलिए आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, बैंड काटने के लिए दसला चाहिए, बस चलो जिस दिन जो बोला तुम हम ढेला हुआ गाड़ी स्वामीनाथ घूमे ले जाला, ट्रक भी चलेगा, कर तुम लोग उम्र हम क्या फर्क बस इनकी हंसी मजाक तो ऐसे चलती रहेगी। ठीक है मामा जी, हाँ ठीक है, सबको नमस्कार जो लोग देख रहे हैं, बिल्कुल धन्यवाद सबका, जय श्री राम, जय हनुमान, चला था, बाय बाय। ये देखो यहाँ पे हमारी पूरी टीम पहुँच चुकी है और पूरी टीम जा रही है आज हमारी चाय वाली चाची के साथ। हेलो 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 दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। हाँ। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम चाय वाले के साथ, अरे मच्छरों की दवा भी साथ में लेके जा रहे हैं, लोगों के कमेंट आ रहे थे चाची के साथ क्यों नहीं जा रहे, बस उनको भी चिंता हो रही है, चाची नहीं दिखाई दे रही है, भले उसके साथ गुड़ाई करने जाओ। तो दोस्तों हम एक दिन पहले भी गए थे, आज भी जा रहे हैं, आज भी जा रहे दोस्तों, वो ऐसी अब इंडिया वो बोलती नहीं है, एक दिन ये लोग गए तो बोल रहे वो आ गए थे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को अच्छे होंगे, आप हम भी बहुत अच्छे हैं। अब दोस्तों बोलती नहीं है वो, तो मैंने देखा उसको घर से कि वो जा रही थी खेल, हाँ। तब मैंने फोन किया कि वो जा चाची रही, दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहती है ना, उसने बोला दीदी आपको नहीं बोला, आपने वहाँ भी गुड़ाई की थी, हाँ। इसलिए नहीं बोला, हाँ। चलो और चीज कमजोर हो गई, और चीज तो होगी, पर हमारी दादी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई हमारे सासू जी को, दूसरी बुआरी भी लागे, लाने वाले अभी सगाई हो रखी है, बहुत बहुत बधाई, हमारे घर में भी आपका लड्डू पहुँच गया था, तो जवाड़ी वाले भी देखते हैं, जवाड़ी वाले बोलेंगे उनके सासू, ये सासू जी है जवाड़ी वाले जितने भी है, जो सगाई परसों हुई है उसका नाम संधि, संधियों को बोल पूनम, संधियों को बोलना, संधियों को बोलना, संधियों मत बोलना, हम प्यार से इनको टैक्सी भी बोलते हैं, टैक्सी बोलने में तकलीफ हो तो टिटीट बोल, नहीं नहीं कुछ दिन में हम इनका नाम मैक्स भी रख सकते हैं, नहीं नहीं
पता चल रहा है शादी में बारात में सब समझे समझे आ रहे खाली रोड में बड़ी बटियाना टैक्सी टैक्सी सब समझ बटन होना होना समझ ना समझ उन बने हम टैक्सी में नहीं जाना तो टैक्सी छे जमा समझ और अभी हम लोग आ रखे हैं कांडी साइड, ये भी हमारे ही गांव में पड़ता है, लेकिन जो हमारा घर है वो उधर साइड है और इधर साइड के लिए बोलते हैं कांडी। तो यहीं से हमें जाना है आगे चाची के खेत में। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपनी चाय वाली चाची के खेत में और यहां पे देखो सारे गुड़ाई लग गए हैं गुड़ाई करने पे। और बहुत दिनों बाद अपनी चाय वाली चाची से मिलाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे होंगे दोस्तों? आप भी अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। हाँ। तो आपका कमेंट आ रखा था कि उनके साथ गोड़ने जाओ, देखो तो... कमेंट का कितना फर्क पड़ा, सीधे इतने लोग पहुंच गए, इतने लोग आए। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हाँ। जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने आप आए दोस्तों, मैंने तो बताइए, बोलने वाली नहीं थी, इसको ऐसा रहता है किसी को परेशान क्यों करना। और हम सोच रहे थे कब गुड़ाई करने, क्योंकि हम कल आते थे पर बारिश हो गई थी। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं थी कि आपने कमेंट किया, हम इसके साथ आते, पहले भी आए थे, पहले भी आए थे, फिर भी आते, पर आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा। उनको सबका ख्याल रहता है, एक दिन भी कोई नहीं दिखेगा, सीधे कमेंट। और चाची के लिए भी बधाई हो, चाची ने आज अपनी स्वेटर बदल ली और फिर भी नहीं लो पैरी। हाँ दोस्तों आप मेरा ख्याल बहुत रखते हैं, मेरे स्वेटर पर बहुत ध्यान देते हैं। क्यों करते हो? अब चाची डेली बदलने लगे, कल गुलाबी पहनी थी, आज कमीज आ गई। देखो तुम, इसकी बेटी बड़ी मिनिस्टर भी इंस्पेक्टर भी बन जाएगी ना, तब भी स्वेटर ऐसी पहनेगी। खेत में कोट पहन के कैसे आएगी? आप ये समझो, स्वेटर इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, पर पहनने को वो यही निकाली, जैसे गर्म पहन के आजकल नहीं मरेगी। अब शरीर भी देखना है दोस्तों, मेरे पास ये बात नहीं है कि मेरी बेटी कुछ बन गई तो मैं वो बिल्कुल वो टिप टॉप बनूंगी, वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे हम वैसे ही रहेंगे। साधारण टिप टॉप बनने की बात किसने की, स्वेटर बदलने की बात की, बक्से में रखे हैं वो चमन स्वेटर तो बदल दी ना मैंने आज, कमीज से चाचा की कमीज निकाल दी, वो तो सिंगर चाचा की कमीज, चाचा की कमीज है। तो चाचा मेरे तो है, कौन से किसी और के हैं मन? नहीं दोस्तों ये बोल रहे चाचा हमारे, हम ऐसे बोल रहे हैं हमारे, वही तो अपने पति अपने ही होते हैं सबके, आपके देवर है ना, हमारे और कुछ है। ये बोल रही है चाचा की कमी, इनकी ऐसी हंसी मजाक चलती रहेगी। चलो भाई गुड़ाई गई, सिर पर मुर्चा चुके जी, अच्छा यहाँ पे मैं मम्मी लोगों की गुड़ाई आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से इन लोगों ने शुरू किया था सामने से और पूरा छोर से करके आ गए हैं, अभी पूरी गुड़ाई है ना, पूरी गुड़ाई कर दी हमने वहाँ तक, अभी एक थोड़ा सा यहाँ नीचे है, फिर एक खेत उधर है, पूरा निपटा के जाना है। ऐसे गुड़ाई करते हैं हम, फटाफट वाले हैं। बोल रहे उतना बड़ा है। और इस खेत में कौन कौन सा अनाज है वो भी बता। ये है चौलाई है, तोर है, और जख्या है, जख्या बोलता है मेरे को भी रखा, भूसा है मैं भी चख्या। और काली दाल है दोस्तों, भट है, वो क्या बोलते उसको, गहत है, लोबिया है जिससे पथरी निकलती है वो गहत भी है, और वो लोबिया है, ये है जख्या का, ये है जख्या, रेस भी है, और ये है तोर की दाल, ये चोलाई है दोस्तों, जिसको हम और ये तिल भी है दोस्तों, तिल ले देखो, ये तिल का पौधा, ये तिल का पौधा है, ये देखो ये गहत का है, ये वो वाली दाल पथरी वाली, हाँ जिससे पथरी निकल जाती है उसके पानी पीने से। सुंदर लग रहे हैं हमारे खेत दोस्तों, हेलो, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं सच में। नहीं तुम भी प्यारे प्यारे लग रहे हो, ऐसी बात नहीं है, हम भी प्यारे प्यारे, हाँ क्यों नहीं, ग्लो आ रखा है गुड़ाई का। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, तेरी मोहब्बत में है इतना असर देखो ना। वाह वाह मजा आ गया। अब हमारी सुधा चाची सुनाएगी एक गाना, हमारी चाय वाले चाची, वो चाची की आवाज बहुत अच्छी है, देवर जी के पास तो खूब सुनाती हूं, वही तो, नहीं तो लोग बोलेंगे नहीं कि हम इतनी फिक्र करते हैं गाना नहीं लगा रहे है ना, बोलो गड़बड़ी बोल जर से ऑन सुनते थे नहीं हो गा रहे। अभी मम्मी लोग चले गए हैं दूसरे वाले खेत में गुड़ाई करने के लिए, मतलब उस खेत के नीचे वाले खेत में ही, और मैं यहीं बगल पे आ रखी हूँ। ये देखो मम्मी लोग हैं सामने वाले खेत में और मैं यहाँ पे आ रखी हूँ घास काटने के लिए, क्योंकि कुदाल तो लाने रखी है, मैंने सोचा घास ही काट लेती हूँ, क्योंकि गुड़ाई करने वाले तो हैं ही पाँच छः, तो मैं अभी यहाँ पे घास निकालती हूँ।
अभी मैंने यहाँ पे कंडी में घास भी निकाल दिया है और मम्मी लोग आ गए हैं तीसरे खेत में। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे उस वाले खेत में गुड़ाई करी थी, उसके बाद नीचे वाले खेत में, और अब इस वाले खेत में पहुँच गए। इतने किसान है ये, चाय वाले के इतने खेत गुड़ाई कर दी हमने कि क्या बताएं, खुद क्या बताएं दोस्तों, इनका शुक्रिया अदा कैसा करूंगा मैं। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो दुख सुख के साथ ही हैं दोस्तों। सही बात, करने की जरूरत नहीं है, मतलब तेरे घर में आएंगे तो चाय बनाती रहती है, तू चाय बनाती रहती है, इसलिए हमारे चाय वाले रखा हुआ है, चाय का कर्जा चुका रहे हैं। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं, चाय का कर्जा तो चाय तो पीते रहेंगे जिंदगी भर। चलो चाची को बधाई हो, चाची का आज फाइनल हो गया दोस्तों, मैं इनका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मैं मेरे जुबान पे कोई शब्द नहीं। अरे अपनों का शुक्रिया अदा नहीं करते, मेरे ना तीन चार दिन के लिए होना था, हाँ, पर एक ही समय में फाइनल कर दिया। वही तो इनका शुक्रिया अदा के तो ऐसी बात, हम तो देरानी जैसी बहने हैं, हम वही तो सुख दुख के साथ ही हैं बहन जी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तुम का मैडम मेरे को जरूर बता, मैं पदरोल लग रही हूं। पदरोल दीदा। सब घर जाने लगे, चाची नीचे लगी हुई रास्ते, मैं थोड़ा घास निकालना है, घास ही तो निकाल दिया सब बच्ची ने। बच्ची ने।